हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका डॉट्स एंड मॉम्स में। मैं हूँ कविता और आज का हमारा वीडियो है हिंग पेस्ट के बारे में। इससे बच्चे को कॉलिक पेन, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इनडाइजेशन हो रही है, एसिड रिफ्लेक्स, जो भी पीते हैं वो बाहर आ जाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे सारे प्रॉब्लम का रिलीफ है। ये बहुत ही सिंपल होम रेमेडी है। मैंने इससे पहले डाइजेशन मसाज के बारे में वीडियो बनाया है और टमी टाइम के बारे में भी वीडियो बनाई है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये सब वर्क नहीं कर रहा है तो हिंग पेस्ट भी एक अल्टरनेट होम रेमेडी है। बहुत आसानी से आप इसे घर में ट्राई कर सकते हैं बच्चों को इन सब से रिलीफ देने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। और पहली बार हमारे चैनल में कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलरली मैं शिशु के आहार, शिशुओं को क्या देना चाहिए, किस एज में क्या बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे चैनल में, चेक कीजिएगा। और शिशुओं के हेल्थ केयर के बारे में ऐसे रेगुलर वीडियोस पोस्ट करती हूँ। और पोस्टपार्टम मॉमीज, डिलीवरी के बाद उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं वगैरह, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो उन सब की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी। जब भी मैं कोई वीडियोस पोस्ट करूँगी तो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब बटन रेड कलर में है और बेल आइकन, इन दोनों को क्लिक करना मत भूलिएगा। क्विकली चलिए देखते हैं इस वीडियो को। हर बार के जैसे इस बार भी मैं अपने बेटे दिव्यज की सहायता ले रही हूँ इसे आपको दिखाने के लिए। वो 4 महीने का है अभी। तो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले एक छोटा सा कप ले लीजिएगा, उसके अंदर आधा चम्मच हिंग का पाउडर डाल के गर्म पानी या वार्म वाटर, जो बच्चा सह सके, सिर्फ उतना गुनगुना पानी रहे तो काफ़ी है, उसका एक पेस्ट बना लीजिएगा। आप चाहे तो इसमें मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल मिलता है, या फिर नारियल का तेल भी डाल के मिक्स करके पेस्ट बना सकते हैं। बाद में इस पेस्ट को बच्चे के पेट के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे से अप्लाई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि बच्चे के नेवल के अंदर या फिर इस भाग में ना जाए, तो कॉटन रख दीजिएगा वहाँ पे। अप्लाई करने के बाद उसे सूखने दीजिएगा। बाद में एक सूदी कपड़ा लेके उसे एक तवा, जिसके ऊपर तेल ना रहे, उस तवा के ऊपर ऐसे रब करेंगे तो थोड़ा गर्म हो जाएगा ये कपड़ा। बच्चे के ऊपर रखने से पहले आप अपने हाथों में टेस्ट कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, सिर्फ वार्म होना चाहिए इस कपड़े को, और बच्चे के टमी एरिया में धीरे से ऐसे रखते आइएगा। इसे बहुत ही रिलीफ मिलेगी बच्चे को। इस सब के बाद बच्चे के दोनों पैर को ऊपर ऐसे लेके 3 से 4 सेकंड छोड़िएगा और बाद में नीचे ले लीजिएगा। तो 4 से 5 बार इसे फॉलो करेंगे तो गैस रिलीज होने में मदद होगी। बाद में ऑपोजिट लेग्स को भी ऐसे ही कीजिएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और बच्चे को रिलीफ मिल जाएगी। अगर गैस रिलीज नहीं हुआ तो बर्पिंग टेक्निक ट्राई कीजिएगा, बच्चे को अपने ऊपर डाल के उसे डकार दिलवाने की कोशिश कीजिएगा। ये सब होने के बाद बच्चे के ऊपर जो हिंग का पेस्ट लगाया था उसे एक सूदी के कपड़े को फिर से भिगो के उसे उस पोशन में जो भी अप्लाई किया है हिंग, आप आसानी से निकाल सकते हैं। Thank you.
होम रेमेडीज़ स्पेशली आयुर्वेदिक रेमेडीज़ होते हैं उसमें वक्त लगता है। अभी ओवर द काउंटर मेडिसिन देने से बेहतर है कि हम कुछ घर में ही ट्राई करें, क्योंकि परमानेंट रिलीफ मिल जाता है बच्चे को रेगुलरली साइकिलिंग और टमी मसाज या टमी टाइम देने से बच्चे को ये प्रॉब्लम स्लोली परमानेंटली चली जाएगी। तो इन सबको फॉलो कीजिएगा और स्पेशली हिंग पेस्ट का मेथड आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, बच्चे को डेफिनेटली रिलीफ मिलेगी। और 6 महीने के ऊपर के बच्चे को इस रेमेडी के साथ आप उन्हें जो भी खाना देते हैं खिचड़ी वगैरह उसमें एक चुटकी भर आप हिंग डाल देंगे, थोड़ा सा आधा चुटकी, छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो उसे डालेंगे तो उनको भी बहुत रिलीफ मिल जाएगी, गैस रिलीज हो जाएगी या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और डेफिनेटली बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं रहे तो खाना अच्छी तरह से खाएंगे, दूध अच्छी तरह से पिएंगे, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा हंसता खेलता रहे बिना कोई प्रॉब्लम के। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला वीडियो हम बना रहे हैं बच्चों को, स्पेशली बड़े बच्चों को माउथ अल्सर जो होता है उससे कैसे रिलीफ देना चाहिए उसके बारे में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय।